दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, एक प्रोडक्ट बनाएंगे, पूरा ही जो है एकदम नया तरीका से बनाएंगे। एक्सपेरिमेंट जो है पूरा नया तरीका से होगा और अगर रिज़ल्ट बढ़िया मिलेगा तब जाके क्या होगा, एक नया चीज़ बनेगा, कम दाम में बनेगा, ठीक है ना। कभी भी मैंने कभी बनाया नहीं है ये, और हो सकता है ये यूट्यूब में कोई बंदा बनाया भी नहीं है, ठीक है। तो आज जो है ये चीज़ जो है एकदम बिल्कुल नया है, और आप अगर मेरे चैनल पे नया आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को प्रेस करते ही राइट साइड में ऑप्शन आ सकता है, ऑल ऑप्शन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों ऐसा ही अच्छा अच्छा अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज जो हम बनाएंगे ये टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर तो हम HCl से बनाते ही है, ठीक है ना। कोई कोई लोग जो है इसे सल्फ्यूरिक एसिड से भी बनाते हैं। आज हम क्या करेंगे, वेस्ट मटेरियल जो ये जो है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड ही है लेकिन ये एसिड सलरी बन जाने के बाद ये वेस्ट आता है, ठीक है ना। ये वेस्ट से हम लोग आज बनाएंगे एक्सपेरिमेंट बेसिक, ठीक है ना। तो चलिए पहले ये एसिड को ले लेते हैं। पतला है एकदम बिल्कुल, देखिए थोड़ा बहुत ऊपर सलरी नज़र आ रहे हैं लेकिन बहुत ही थोड़ा, ठीक है ना। ये क्या है, एसिड सलरी हम लोग जो बनाते हैं ना, तो सेपरेशन होने के बाद ऊपर में एसिड सलरी बनता है, आ जाता है, और नीचे में जो है एसिड रहता है, ठीक है। तो ये एसिड जो है हम लोग या तो फर्टिलाइज़र बनता है नहीं तो सेल कर देते हैं, ठीक है ना। कोई कोई लोग जो है इससे डिटर्जेंट पाउडर भी बनाते हैं, इसमें क्या होता है फोमिंग भी होता है, ठीक है। तो ये ले लिया है, अभी हमें ऐड करना है, अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। लग रहा है ये ट्रांसपेरेंट बनेगा या नहीं पता नहीं, फिर भी ट्रांसपेरेंट नहीं बनेगा उससे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर गाढ़ा हो जाएगा तो काम पे आ सकता है ये। चलिए मशीन को ऑन कर देते हैं, मशीन को ऑन कर देते हैं, मिक्सिंग जारी है। ये अच्छा से मिक्स होने के बाद इसमें गुअर गम या जेंथेन गम देने से भी ये गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होगा नहीं ऐसा बात नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी थोड़ा बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा अल्फॉक्स इसमें डालूँगा, अगर देखेंगे, लेकिन इसका ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गया अल्फॉक्स डालने से, अल्फॉक्स डालने से ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गया, देख पा रहे हैं। थोड़ा सा मशीन को चलाएंगे, देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट होगा कि नहीं। धीरे धीरे लग रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा तो एक मतलब ये तो एक सर्फेक्टेंट भी है ना, अल्फॉक्स जो है ना एक बढ़िया सर्फेक्टेंट है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है। तो ये क्या करता है, काम को माने टॉयलेट जो है ना इस ये अच्छा से क्लीन कर देगा, ठीक है, एसिड्स के साथ मिलके। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा हमें, ठीक है। धीरे धीरे तो हो रहा है लेकिन मेरे ख्याल से ये ना होने का चांसेस ज़्यादा है। तो मशीन को थोड़ा बंद करके वेट करेंगे, अगर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा तो देखेंगे, वेट करेंगे थोड़ा।
इसका ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल बदल नहीं रहा है, ठीक है, आ नहीं रहा है। थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा पानी इसमें डालेंगे, देखेंगे, लेकिन धुंधला सा ही हो रहा है। चलिए इसको फेंक देते हैं, ये तो नहीं हो रहा है, इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसको फेंकना पड़ा क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रहा है, तो और एक बार दोबारा करके देखते हैं। अभी पानी डालेंगे, चलिए मशीन को ऑन कर देते हैं। मिक्सिंग हो रहा है, ये सब जो है ये सब तो नहीं रहेगा एक्चुअली, ये थोड़ा बहुत ऊपर का जो बेंजीन है, ये मैल है, ये सब थोड़ा है, ठीक है, बाकी थोड़ा मिक्सिंग होने के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट चालू करूंगा। मिक्सिंग को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि थोड़ा बहुत जो बचा कुचा हुआ, जो गिरा हुआ था बेंजीन, वो भी इसमें मिक्सिंग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। अभी बंद कर देंगे, अच्छा ही है, क्लियरिटी जो है धीरे धीरे और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लग रहा है कि ये जो अवस्था है ये ठीक है। तो इसमें अब हम डालेंगे एन आयोनिक सर्फेक्टेंट जो SLES है, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट जो ये एल्फॉक्स 200 था, ये तो प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट है, ख़राब होगा कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा SLES दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है, ये एन आयोनिक सर्फेक्टेंट, लेकिन लग रहा है ये मिक्सिंग हो रहा है, ठीक है ना, और वाइट जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हुआ था, इसमें तो लग रहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है, मिक्सिंग हो रहा है। तो थोड़ा सा मिक्सिंग को बढ़ा देंगे, देखिए मिक्सिंग हो रहा है। इसमें एक रिज़ल्ट तो आ रहा है कि ये नीचे का हिस्सा जो है इसलिए इसके लिए बहुत गाढ़ा हो गया है, ट्रांसपेरेंसी मेरे ख्याल से बढ़ जा रहा है, जितना मिक्सिंग हो रहा है ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मिक्सिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, देखिए दोस्तों ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल आ चुका है, एकदम क्लियर, एकदम देखिए अंदर में जो मिक्सिंग हो रहा है पूरा नज़र आ रहा है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल आर पार दिख रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ये अच्छा है, ठीक है। तो थोड़ा पानी और इसमें डाल देंगे,
थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा चलाएंगे आप। एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये वेस्ट मटेरियल जो है ना बहुत ही सस्ता में मिलता है, 4 रुपया 3 रुपया लीटर में, ठीक है ना, जो एसिड सैलरी का वेस्ट है, तो उसको अगर काम में लगा सकते हैं तो बढ़िया होता है। तो इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट मैं चला रहा हूँ, ठीक है ना। लग रहा है कि होगा, हो सकता है, ये मैं टॉयलेट में दे करके इस्तेमाल करके टेस्ट कर लेंगे। और एक बात है, एसिड सैलरी का ट्रेनिंग भी मैं देता हूँ, कैसे एसिड सैलरी बनाया जाता है, ठीक है। तो एसिड सैलरी का ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए, आप अगर एसिड सैलरी खुद मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो मुझसे, मेरा जो नंबर है इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और एक बात है, मेरा ऐसा ही हर एक चीज़ का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ई बुक भी है, और स्पेशल कुछ फॉर्मूलेशन भी है, ई बुक भी ले सकते हैं, स्पेशल फार्मूला भी ले सकते हैं, जो मार्केट में ब्रांडेड क्वालिटी जैसा प्रोडक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं उसका भी फार्मूलेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मेरा 3 ई बुक है, 4 ई बुक है, डिटेल्स अगर पाना चाहते हैं, मार्केट में जितना सारा प्रोडक्ट है सबका फॉर्मूलेशन आपको मिल जाएगा, चाहे वो क्लीनिंग मटेरियल का हो, चाहे पेंट रिलेटेड हो, क्रीम रिलेटेड मतलब दोस्तों कॉस्मेटिक्स रिलेटेड अगर आपको कुछ फॉर्मूलेशन चाहिए, ठीक है, दवा रिलेटेड, आयुर्वेदिक दवा रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेशन चाहिए, ठीक है, घुटना दर्द और कमर दर्द के फॉर्मूलेशन चाहिए, और कार रिलेटेड कुछ भी चाहिए, सबका फॉर्मूलेशन मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझसे व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है एक्सपेरिमेंट बेसिक है, आप कर भी सकते हैं ना भी कर सकते हैं। तो ये जो अभी जो सिचुएशन है इसको आप अगर गढ़ा करना चाहते हैं तो ये गुअर गम जेंथन गम से भी तो होता है, लेकिन मैं इधर थोड़ा इसमें दूसरा चीज़ डालेंगे, ये CDEA डाला। देखिए CDEA डालने से तुरंत एकदम वाइट हो गया, फिनाइल के जैसा पूरा बिल्कुल वाइट हो चुका है, ठीक है। तो देखने में ये वाइटनेस जो आया है बहुत बढ़िया है, अगर वाइटनेस रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल वाइट है एकदम फिनाइल के जैसा। इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, ब्लू हो जाएगा, ब्लू देने से ब्लू लगेगा, वाइट है। मैं थिकनेस लाने के लिए इसमें थोड़ा सा डाला था, लेकिन थिकनेस आया है, बहुत ज़्यादा नहीं आया, ठीक है, लेकिन वाइट हो गया बिल्कुल, एकदम बिल्कुल वाइट है। देखिए इसमें थिकनेस थोड़ा अगर बढ़ा पाएंगे तो ही अच्छा होगा, तो इसके लिए इसमें थोड़ा और कुछ डाल के देखना पड़ेगा। चलिए ये STL डाल के देखते हैं, अगर थिकनेस बढ़ेगा तो बढ़िया रहेगा। मुझे लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है, STL डालने से तो गाढ़ा बिल्कुल हो जाता है। नहीं, पूरा वाइटनेस आया है, बिल्कुल वाइट है ये, लेकिन इसमें क्या है, थिकनेस उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा हम लोग जो टॉयलेट क्लीनर है होते हैं उसमें आता है, ठीक है ना। चलिए मशीन को ऑफ कर देते हैं, अभी थोड़ा वेट करके देखते हैं, अगर ये वाइटनेस रहेगा तो ठीक है, नहीं तो अगर कट जाएगा तो दूसरा एक्सपेरिमेंट फिर करना पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्कुल लाइव एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये मत सोचिए कि रिज़ल्ट मुझे भी पता है, लेकिन मुझे भी पता नहीं है ये कैसा क्या होगा, देखेंगे।
होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। जो भी हो दोस्तों, इसका वाइटनेस बिल्कुल अच्छा है, एकदम वाइट तो बहुत अच्छा है वाइटनेस इसका। एक बार चेक करते हैं इसमें सफाई क्षमता कैसा है। सल्फ्यूरिक एसिड है तो होगा ही, होना ही चाहिए, ठीक है, एक बार चेक फिर भी कर लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये टॉयलेट जो है ऊपर का हिस्सा तो बहुत गंदगी से भरा हुआ है, ठीक है, ये टॉयलेट यूज़ नहीं होता है एक्चुअली, थोड़ा इसका गाढ़ापन भी अच्छा ही है, गाढ़ापन भी अच्छा है, ठीक है, तो थोड़ा दे दिया है, चेक करेंगे इसे सफाई कैसा होता है, अच्छा होगा तो ठीक है। थोड़ा रखने से अच्छा होता, सफाई तो मेरे ख्याल से अच्छा ही हो रहा है। थोड़ा पानी देकर के देखेंगे एक्चुअली सफाई कैसा हो रहा है, थोड़ा पानी देने से ही रिजल्ट मिल जाएगा। ऊपर में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है ना, देखिए हो जाएगा, ये काम बढ़िया करेगा। देखिए ये इसका वाइटनेस देखिए, बिल्कुल एकदम फिनाइल की तरह है, ठीक है, इसमें मालूम नहीं इसे इसमें सेपरेशन आएगा कि नहीं, वेट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, आज का ऐसा एक्सपेरिमेंट आज का रिजल्ट आप देखा, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट भी हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, बाय बाय।